महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं। इस बीच बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुनगंटीवार प्रेस वार्ता में महाविकास आघाड़ी सरकार पर तंज कसा। राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर जहां सरकार अपनी खूबियां गिनाने में मस्त है, वहीं विरोधी दल बीजेपी सरकार की खामियां निकालने में मस्त है। मुनगंटीवार ने कहा कि आम आदमी को भारी भरकम बिजली के बिल भेजे गए हैं। सरकार ने बिजली बिल माफ करने का अपना वादा नहीं निभाया है। ऊर्जा मंत्री राउत को घेरते हुए कहा कि महावितरण ने अपनी बिजली ग्राहकों को उनके पिछले 3 महीनों में बिजली की खपत के आधार पर बिल भेजे थे। तब सरकार ने उस समय कहा था कि लोगों को राहत देने के लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। बाद में सरकार ने बढ़े बिजली बिल पर रियायत देने से यूटर्न ले लिया। थक बाकी से बिजली बिल माफी का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले एक साल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में भारी वृद्धि हुई है। नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी है। अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। दिशा अधिनियम लागू करने की घोषणाएं हवा में है। यह सरकार समय पर एसटी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं करती है। 3 महीने का वेतन प्राप्त करने के बाद एसटी कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। बीजेपी शनिवार को ठाकरे सरकार की पोल खोलने की बात भी कही है। वीज बिल मगत आश्चर्य वाटत का तुम्हें आमचे नितिन राऊत साहब ऊर्जा मंत्री है विदर्भा बावनकुळे साहब माजी ऊर्जा मंत्री दोघांची चर्चा ऐकत होतो काय तर्कहीन उत्तर देतात आमचे मंत्री म्हणागे अंबानीने मोबाईलचं बिल माफ केलं का अंबानीने लॉकडाऊन केलं होतं का लॉकडाऊन तुम्ही केलं तुम्ही जनतेला सांगितलं का हात धुवा घरी सुरक्षित राहा पण तुम्ही हात धुवून जनतेच्या पाठीशी काय गरम पाणी प्या घरी बसा हे काय अंबानीने सांगितलं का तो काय अंबानीकडून तुम्ही अपेक्षा करता की त्यांनी बिल माफ करावं अरे मायबाप सरकार वेलफेअर स्टेट तुम्ही आहात आणि एवढंच नव्हे कधी कधी वाटतं की या सरकारला त्या गजनीच्या हिरोसारखी याची भूमिका आहे विसरून जातात आमच्याकडे सर्व डॉक्टर आहे मी सोडून अल्झायमर नावाचा एक आजार आहे की ज्याच्यामध्ये विस्मरण होतं मला असं वाटतं की या सरकारला पॉलिटिकल अल्झायमर झाला आहे जेव्हा काल ही चर्चा झाली तेव्हा मी मुद्दाम दोन्ही पक्षाचे जाहीरनामे आणले मला आश्चर्य वाटतं अरे अंबानींनी थोडी सांगितलं होतं की मोबाईल बिल मी माफ करेन पण तुम्ही सांगितलं ना हा वचननामा हा शिवसेनेचा वचननामा आहे या शिवसेनेच्या वचननाम्यामध्ये स्वतः शिवसेनेने सांगितलं आहे हे नंतर आमचे पाठक साहेब देतील 300 युनिट पर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकासाठी घरगुती वीज दर 30% कमी करू हा वचननामा आहे आणि कदाचित बाळासाहेबांचा फोटो या वचननाम्यावर नसता तर आपण माफी केलं असतं पण बाळासाहेब शब्दाचे पक्के आहेत